नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। गंज बासौदा, लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण जहां प्रदेश की बड़ी बड़ी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नगर की जीवनदायिनी नदी बेतवा पुल से लगभग 4 से 5 फीट ऊपर चल रही है और बेतवा नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा गंज बासौदा सिरौंज मुख्य मार्ग एवं बासौदा गुरौद रोड पर नदी के पुल के दोनों ओर बैरिगेट्स लगाकर इतिश्री कर ली है। उफनती नदियों को देखने के लिए लोगों की आवाजाही निरंतर बनी हुई है। लापरवाह लोग अपने परिवार एवं छोटे छोटे बच्चों के साथ पुल के ऊपर बहते पानी के पास तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नदी के पुल पर बीच पानी में खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। युवक बीच पुल पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं जिनकी कीमत आम नागरिकों को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। नगर के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। संदर्भ में नगर के नवागत एसडीएम महोदय को मीडिया कर्मियों ने अवगत कराया तो वह कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे किसी भी संदर्भ में मीडिया के सामने बाइट देने का अधिकार नहीं है, इसके लिए आप जिला अधिकारी से संपर्क करें। इस संदर्भ में जब नगर की विधायक महोदया श्रीमती लीना जैन से चर्चा की तो उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश देने की बात कही और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के आसपास ना जाएं। अगर इस प्रकार ही नगर के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आएंगे तो आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखा जाएगा। मुझे जैसे ही आपने जानकारी दी कि पुल पर पानी ऊपर आने के बाद पब्लिक वहां पर है, तो मैंने प्रशासन से बात करी थी। मुझे प्रशासन ने बताया कि उन्होंने बैरिकेड्स लगवा दिए थे, उन्होंने लोगों को वहां जाने मना कर दिया था और वहां पे एक उसको कांस्टेबल को भी नियुक्त कर दिया था। लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वह नाकाम साबित हो रही है और निरंतर लोगों का आवागमन बना हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी भी इस संदर्भ में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आपने जो कहा है मैं उसके बारे में जानकारी लेती हूँ कि आपको कौन से जिम्मेदार अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो ये है कि प्रशासन अलर्ट हो गया था जैसे ही पानी पुल पर आया था, पर आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो जब पानी पुल पर हो तो वहां से ना गुजरें। कई हमारे यहाँ पहले भी कई मौतें ऐसी हुई हैं कि जो हम दर्दनाक रही हैं, तो मैं तो सभी जनता से निवेदन करूंगी कि जब पुल पर पानी आ जाए तो आप वहां से ना निकलें, प्रशासन का इसमें सहयोग करें। खबर समय जगत के लिए गंज बासौदा से अर्पित जैन की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।